प्यारे दोस्तों, अगर आप गर्म जल से स्नान करते हैं तो आप आज से ही बंद कर दीजिए और अपने बच्चों को भी हमेशा के लिए बंद करवा दीजिए, क्योंकि गर्म जल आपके शरीर के लिए इतना हानिकारक है कि आप सोच भी नहीं सकते। आयुर्वेद में इसकी बहुत ही वर्जित मनाही है कि गर्म जल आपके शरीर के लिए इतना नुकसानदायक है कि 100 बीमारियां आपके शरीर में एक साथ उत्पन्न करता है गर्म जल। इसलिए गर्म जल को बिल्कुल ही त्याग दीजिए, आप ठंडे जल से नहाइए। ठंडा जल आपके शरीर को ऊर्जा देता है और आपके शरीर में इतनी ऊर्जा भरता है, आपको बीमारियों से दूर रखता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो इसलिए गर्म जल से दोस्तों कभी भी मत स्नान कीजिए। मैं आपको बताऊँगा कि कितनी कितनी हानियाँ आपको गर्म जल से हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप गर्म जल से स्नान करते हैं तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। आपकी शरीर बहुत जल्दी ही बीमारियां लगने लग जाएंगी। इसलिए गर्म जल से कभी भी दोस्तों मत नहाइए, आप ठंडे जल से स्नान कीजिए। ठंडा जल दोस्तों हमेशा नहाइए, चाहे गर्मी हो या ठंडी, आप ठंडे जल से ही नहाइए। ठंडियों में आप कोशिश ये कर सकते हैं कि हल्का सा गुनगुना कर सकते हैं, लेकिन बहुत हल्का, ताजे जल से नहाइए, लेकिन आप ठंडे जल से ही नहाइए। गरम जल बिल्कुल भी नहाने में यूज मत कीजिए। लोगों शहरों में आजकल दोस्तों, आज लोगों के घरों में गीजर लगे हुए हैं और उसमें बहुत ही गर्म पानी निकलता है और हम शावर लेते हैं, ऊपर से शरीर के ऊपर डालते हैं। दोस्तों, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। दोस्तों, गर्म जल जल का स्नान सर के ऊपर से अगर आप करते हैं तो दोस्तों इससे हमारे आँखों की नेत्र ज्योति हमेशा के लिए धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इसलिए नहाने के लिए कभी भी गर्म जल को सर के ऊपर से मत डालिए। आप कभी भी मत नहाइए गर्म जल से। आप समझ सकते हैं कि आंखें जीवन के लिए अनमोल हैं। इस सुंदर सी पृथ्वी को देखने के लिए अगर जीवन में आपकी आंखें नहीं हैं तो जीवन बेकार है, मरने के बराबर है। इसलिए दोस्तों कभी भी आप ठंडे पानी का ही उपयोग करें, जब भी नहाएं गर्म जल का स्नान कभी भी मत कीजिए। शरीर को स्वस्थ अगर रखना है, निरोगी रखना है तो आयुर्वेद को अपनाएं, और आपके माध्यम से मैं आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं सारी अच्छी से अच्छी जानकारी कलेक्ट करके आपके तक पहुंचा रहा हूं और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी सर के ऊपर से गर्म जल का स्नान नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपको स्किन की समस्या है तब भी आप गर्म जल से कभी भी मत नहाइए। गर्म जल हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाता है, इसलिए गर्म जल से आप कभी भी मत नहाइए। अगर आपको नहाना है तो ठंडे जल से नहाइए या ताजे जल से, नल से निकला हुआ ताज़ा जल वो भी आपका अच्छा होता है बहुत ही। गांव में हमारे पहले पूर्वज कभी भी ठंडे जल से ही नहाते थे, ताजे जल से भरकर। तो इसलिए आप कभी भी दोस्तों गर्म जल स्नान के लिए प्रयोग मत कीजिए। दोस्तों, स्नान के लिए हमेशा ठंडे जल का ही उपयोग करें, गर्म जल से कभी भी स्नान ना करें, क्योंकि गर्म जल हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और हमारे शरीर की ऊर्जा को कमज़ोर करता है और हमें शक्तिहीन बनाता जाता है। दोस्तों, तो दोस्तों हमको शक्तिहीन नहीं बनाना है। दोस्तों, हमारी पद्धति जो हमारी आयुर्वेद की पद्धति है, हमको उसको अपनाना है। हमें पुरानी वेस्टर्न कल्चर की वजह से ही हमारे शरीर में भयानक से भयानक बीमारियाँ होती चली जा रही हैं। अगर आप बचना चाहते हैं, इन बीमारियों से स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आयुर्वेद की पद्धति को अपनाएं, आयुर्वेद की किताबें रखें और आयुर्वेद की चीज़ें देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं और अपने बच्चों को भी ज्ञान दें ताकि वो आगे इस ज्ञान को बढ़ाएं, क्योंकि हमारी आयुर्वेद की पद्धति ख़त्म होती जा रही है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।